लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत। वरिष्ठ हिंदी भाषी नेता मार्कंडेय केवट हरिओम ने आज सैकड़ों समर्थकों के साथ बीजेपी में प्रवेश कर लिया। नवी मुंबई जिला अध्यक्ष रामचंद्र घरत ने मार्कंडेय केवट हरिओम और उनके तमाम समर्थकों को बीजेपी का झंडा थमाकर पार्टी में प्रवेश कराया। इस अवसर पर दर्जनों पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र भी बांटे गए। इस अवसर पर उत्तर भारतीय मोर्चा के संयोजक राजेश राय, जिला उपाध्यक्ष अनिल सिंह, नगर सेवक राजेश शिंदे, राजेंद्र इंगले और गुरु सूर्यवंशी समेत तमाम पदाधिकारी भी मौजूद थे। जिलाध्यक्ष रामचंद्र घरत ने विश्वास जताया कि मार्कंडेय केवट एक लोकप्रिय समाजसेवी हैं और सामाजिक कार्यक्रमों के जरिए उत्तर भारतीयों को एकजुट रखने में अग्रणी रहे हैं, इसलिए उनके पार्टी में आने से बीजेपी की ताकत और बढ़ेगी। देखिए रिपोर्ट। नवी मुंबई के लोकप्रिय हिंदी भाषी नेता और समाजसेवी मार्कंडेय केवट हरिओम ने आज अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ बीजेपी में प्रवेश कर लिया। जिलाध्यक्ष रामचंद्र घरत और उत्तर भारतीय मोर्चा के संयोजक राजेश राय ने मार्कंडेय केवट हरिओम और उनके सैकड़ों समर्थकों को बीजेपी का झंडा थमाकर पार्टी में प्रवेश कराया। तुर्भे में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान मार्कंडेय केवट हरिओम को तत्काल उत्तर प्रदेश सेल का नया संयोजक भी नियुक्त किया गया। बड़ी संख्या में उत्तर भारतीयों के बीजेपी में शामिल होने पर खुशी जाहिर करते हुए जिलाध्यक्ष रामचंद्र घरत और उत्तर भारतीय मोर्चा के संयोजक राजेश राय ने कहा कि मार्कंडेय केवट हरिओम एक लोकप्रिय और समर्पित समाजसेवी हैं। उनके आने से पावने और तुर्भे समेत नवी मुंबई के उत्तर भारतीय बहुल इलाकों में बीजेपी की ताकत और बढ़ेगी, जिसका असर नवी मुंबई मनपा चुनाव में देखने को मिलेगा। इस अवसर पर जिला उपाध्यक्ष अनिल सिंह, नगर सेवक राजेश शिंदे, राजेंद्र इंगले, एडवोकेट गुरु सूर्यवंशी समेत कई पदाधिकारी भी मौजूद थे। मैं हरिओम को बहुत बड़ी शुभकामना देना चाहता हूं कि आने वाले इस महानगर पालिका के इलेक्शन में इसके पीछे हम लोग का भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार बहुत अच्छे तरह से जीते। आज उत्तर भारतीय की ताकत एक्चुअली नियमों में बहुत बड़ी है। मैंने उनको वही समझाया है कि बहुत बड़ी ताकत है आपकी, आप सारे नगर सेवक जो 111 है ना, उसके वार्ड में एक दूसरे को हिला सकते हो, उस उम्मीदवार को हिला सकते हो, इतनी ताकत है, खाली आपको उतरना पड़ेगा। बहुत सारे आज उत्तर भारतीय ने हमारे पार्टी में प्रवेश लिया, हमारे उत्तर भारतीय सेल का आज गठन हो गया है, तभी हम लोग इस न्यू बॉम्बे का बैठने वाला मेयर को कौन बैठने वाला है ये भी उत्तर भारतीय तय कर सकते, इतनी ताकत है। पहले की जो उत्तर भारतीय मोर्चा के अध्यक्ष थे और आप में जो थे उसमें अंतर रहना चाहिए। इसी सिलसिले में हरिओम जी ये टीम में आए, बहुत अच्छे कार्यकर्ता हैं, इनकी पकड़ बहुत ज़्यादा है, मेरे से बहुत ज़्यादा इनकी ताकत है, सिर्फ इनको मतलब कि हमें जगाना है या अपनी ताकत को पहचानेंगे तो उत्तर भारतीय मोर्चा जिस हिसाब से जिला अध्यक्ष ने बोला है कि मेयर अपना भारतीय जनता पार्टी का बैठेगा तो वो सही में होकर रहेगा, ये मेरा विश्वास है। मार्कंडेय केवट जी का भाजपा पार्टी में आने के बाद मतलब आ गए हैं अभी, और इसके आगे हमें पूरा विश्वास है कि मार्कंडेय जी के नेतृत्व में हमारे उत्तर भारतीय सेल के सभी उनके कार्यकर्ता हो या उनका परिवार, जो एक उनके मार्कंडेय जी ने एक मित्र परिवार भी उनका काफ़ी बड़ा यहाँ पे है, उन्होंने मैं एक पिछले 10 साल से देख रहा हूँ, सब समाज को लेकर काम करते हैं, तो समाज को जुड़े हैं, तो मुझे विश्वास है कि मार्कंडेय जी आने वाले दिनों में हमारे ये स्लम बेल्ट के जो भी हमारी कमी है ना वो पूरी करेंगे और हमारा 100% पूरा ये बेल्ट बीजेपी के प्रत्याशी चुन के लाने के लिए उनका बहुत बड़ा वापस सहयोग करेगा। गौरतलब है कि मार्कंडेय केवट हरिओम बीते 25 सालों से जय अम्बे मित्र मंडल के अध्यक्ष हैं और पावने में सामाजिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिए उत्तर भारतीयों को एकजुट करने के लिए लोकप्रिय रहे हैं। आज मार्कंडेय केवट के कई सहयोगियों को भी यहां पदाधिकारी नियुक्त किया गया। इनमें वरिष्ठ समाजसेवी कर्मवीर सिंह, पंडित विजय भान गोस्वामी और अमृतलाल जायसवाल को सचिव बनाया गया है। वहीं विनोद शुक्ला, अनिल कुमार सोनी और संतोष गुप्ता को उपाध्यक्ष,
नियुक्त किया गया है, जबकि गोपीनाथ पांडे को महासचिव पद की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस अवसर पर मार्कंडेय केवट हरिओम ने कहा कि पार्टी ने संयोजक की जिम्मेदारी सौंप कर उन पर जो भरोसा जताया है उसे वे पूरी निष्ठा के साथ निभाएंगे और नवम्बई के उत्तर भारतीयों को एकजुट करते हुए बीजेपी से जोड़ने और पार्टी को मजबूत करने का हर संभव प्रयत्न करेंगे। आने वाले समय में हम चाहते हैं कि अभी तो भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश सेल का कार्यभार संभाल लिया है और आने वाले समय में उत्तर भारतीय जनता पार्टी की एक नया दिशा जो राजेश राय जी ने हमें जिम्मेदारी दी है, रामचंद्र खरत जी ने जो जिम्मेदारी दी है उसको बेखूबी निभाऊँगा और नई मुंबई में उत्तर भारतीय जनता पार्टी को जितना हो सके मजबूत करने का कोशिश करूंगा और उत्तर भारतीयों को एक बार एक और एकजुटता दिखाकर पार्टी को और मजबूत करूंगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया।